खबर उज्जैन से। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर उज्जैन संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक को एडीजी देशमुख का सख्त निर्देश। बताते चले कि उज्जैन संभाग के एडीजी योगेश देशमुख अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर संभाग के किसी भी जिले में बिना बताए निकल जाते हैं। मीडिया के माध्यम से एडीजी योगेश देशमुख द्वारा बताया गया कि अपराधों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। दरअसल सभी पुलिस अधीक्षक को एडीजी योगेश देशमुख द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। महिला संबंधित अपराध पर पुलिस का रिएक्शन होना चाहिए। देखिए, अपराधों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और विगत दिनों में जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो जिस जिस क्षेत्र में क्राइम में वृद्धि हुई है, उन सबकी समीक्षा लगातार होती रहती है। और सभी SPs को बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, शासन के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला संबंधी अपराध किसी भी स्थिति में तत्काल पुलिस का रिएक्शन होना चाहिए और इसको कैसे अपराध कम हो, इसके लिए क्या क्या प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो सकती है, सबके निर्देश सभी को दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफेंस, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि जो घटनाएं हैं, इसमें जनता को राहत कैसे मिले, इसके लिए अपराधी गश्त और लोगों से पूछताछ, संदिग्धों पर नज़र आदि बातें हैं, ये सभी SPs को निर्देशित किया गया है। और कहीं पिछले कुछ महीनों में पूरे जोन में कुछ 3-4 बड़ी सेंसेशनल टाइप घटनाएं घटी हैं, उसमें सभी को यही निर्देश हैं सभी SPs को कि तत्काल रिएक्शन करें, अपना रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी हमारी कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, अल्टीमेटली जनता के हित के लिए है और उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा की भावना आदि पन पे इस ओर सभी को ध्यान देना है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग में करते रहना है।